नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस वीडियो के तहत महात्मा गांधी संविधान भर्ती 2023, जी हाँ, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके अलावा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो इंटरव्यू है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको दी जाएगी। जी दोस्तों, अभ्यर्थियों के काफ़ी सारे प्रश्न हैं इस संविधान भर्ती 2023 को लेकर के, जी हाँ, तो अधिकतर प्रश्नों के जो है समाधान इस वीडियो के तहत आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर विभागीय आदेश, रिजल्ट, आंसर कीज, दैनिक समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं महात्मा गांधी संविधान भर्ती 2023 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 27 जुलाई 2023 और 28 जुलाई 2023 को जो है काउंसलिंग इन अभ्यर्थियों की हो चुकी है और उसके बाद में संबंधित जिलों के, जी हाँ, नियुक्ति आदेश जारी हो रहे हैं। जी हाँ, नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। अब अधिकतर अभ्यर्थियों का यह प्रश्न है, पहला प्रश्न, क्या इनको नियुक्ति आदेश अलग से जारी होंगे? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर यही है दोस्तों कि जो है संबंधित विभाग के द्वारा जो है अलग से या तो आपको मेल किया जा सकता है या कॉल किया जा सकता है या फिर शाला दर्पण पोर्टल पर, जी हाँ, शाला दर्पण पोर्टल पर नियुक्ति आदेश जारी हो सकते हैं। फिर भी यदि दोस्तों इन सब से संबंधित कोई अलग ही अपडेट आएगी तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें, इस चैनल पर अवश्य इसे तो अपडेट दी जाएगी, नियुक्ति आदेश अलग से जारी होंगे या जो भी प्रोसेस होगी उसके बारे में आपको अवश्य इस चैनल पर अपडेट दी जाएगी। अगला प्रश्न, बाहरी अभ्यर्थी जो हैं, जी हाँ, अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति आदेश कब तक जारी होंगे? तो अधिकतर अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों, इसे तो बताना चाहेंगे कि हो सकता है कि दोस्तों इस सप्ताह में जो है अदर स्टेट वालों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाएं। पहले जो राजस्थान के हैं, ये राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के, चाहे साइंस मैथ के हो या लेवल प्रथम के हो या इंग्लिश के हो, उनको जो है कार्य ग्रहण करवाया जाएगा, जो कि आपको पता होगा 12 अगस्त 2023 से कार्य ग्रहण की अंतिम तिथि रखी गई है। इनको कार्य ग्रहण करवाने के बाद भी हो सकता है दोस्तों कि इनके अदर स्टेट वालों के जो है ज्वाइनिंग या नियुक्ति आदेश जारी हों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, जी हाँ, चाहे वो इंटरव्यू के माध्यम से लगे हों या कैसे भी, तो उनको आगामी आदेश तक, जी हाँ, आगामी आदेशों तक जो है रिन्यू नहीं किया जाएगा, उनको अधिशेष रखा जाएगा आगामी आदेश जारी होने तक, जब इन महात्मा गांधी संविधान भर्ती 2023 के अभ्यर्थियों की जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी वहाँ पर, जी हाँ, उनको कार्य ग्रहण करवाया जाएगा। उसके बाद भी जो है जो पहले के टीचर्स हैं, जो चाहे इंटरव्यू के माध्यम से लगे हों चाहे कैसे भी हों, उनको वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, रिलीव नहीं किया जाएगा जब तक कि आगामी आदेश जारी नहीं हों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिकतर अभ्यर्थियों का प्रश्न ये भी है, क्या महात्मा गांधी संविधान भर्ती 2023 के जो है इनको परमानेंट किया जाएगा? तो दोस्तों, इस हेतु हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट निकल करके आ रही है कि हाल अभी तक तो यही है कि 27 जुलाई 2023 को जिनकी काउंसलिंग हुई थी उनको 27 जुलाई 2024 तक, जी हाँ, एक वर्ष की कालावधि, जी हाँ, एक वर्ष की समयावधि तक इनको रखा जाएगा। और जिनकी 28 जुलाई को हुई है उनकी 28 जुलाई 2024 तक, जी हाँ, इनको रखा जाएगा। हालांकि परमानेंट से संबंधित अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यदि कोई अपडेट आएगी तो आपको अवश्य इस हेतु सूचित किया जाएगा। अगली अपडेट, इन जो महात्मा गांधी संविधान भर्ती 2023 के अभ्यर्थी हैं इनको पारिश्रमिक जो है संविधान पारिश्रमिक जो मानते हैं वो कितना मिलने वाला है? वैसे आप सबको पता होगा दोस्तों, 16,900 रुपये प्रतिमाह लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के दोनों को समान मिलने वाले हैं।
इसके अलावा दुर्घटना क्लेम, मेडिकल क्लेम इत्यादि जो अन्य सुविधाएं हैं वह भी शर्तें अनुसार है। जी हाँ, संविदा भर्ती 2023 नियम 2022 के तहत शर्तों के अनुसार जो है ये सभी लाभ इनको देय होंगे। अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों बने रहे हैं। इसके अलावा जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है इनके इंटरव्यू आदेश, जी हाँ ये भी बड़ा प्रश्न है। जैसा कि आपको पता होगा अभी पिछले 3 से 4 दिन पहले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंटरव्यू के तहत सामान्य विद्यालय के टीचर्स को लिया जाएगा। उस हेतु जो है आवेदन करने का लिंक विभाग की ओर से पुनः खोला गया था जो है अध्यापकों को, जी हाँ उनको फिर से एक बार चांस दिया गया था जैसा कि आपको पता होगा। अब इनका जो इंटरव्यू है, जी दोस्तों हालांकि यही अपडेट अभी तक की कि इनका जो है 12 अगस्त के बाद जो महात्मा गांधी संविदा भर्ती 2023 के जो अभ्यर्थी हैं इनको कार्यग्रहण करवा लिया जाएगा। उसके बाद जी हाँ 12 अगस्त के बाद 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में इंटरव्यू आदेश या इंटरव्यू की डेट जो है फाइनल हो सकती है। दोस्तों पहले भी आपको हमारे अन्य वीडियो में हेतु बताया गया था कि जो महात्मा गांधी संविदा भर्ती 2023 के जो अभ्यर्थी हैं इनको पहले कार्यग्रहण करवाया जाएगा, उसके बाद में रिक्त रहे शेष पदों पर संबंधित जो है जो भी जिले हैं उनसे डेटा लिया जाएगा, उसके बाद में जितने पद रहेंगे उस पदों के हिसाब से इनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में सेलेक्टेड जो टीचर्स हैं उनको इन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर 12 अगस्त से पहले भी इंटरव्यू से संबंधित कोई डेट आती है या जो इंटरव्यू की डेट फाइनल होती है तो आपको इसे तो अवश्य अपडेट दी जाएगी। तो इस चैनल पर आप अवश्य बने रहें, इसे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के कमेंट्स ये भी हैं, क्या नई संविदा भर्ती 2023 आ सकती है और कितने पदों पर आ सकती है? तो दोस्तों बताना चाहेंगे, लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं ऐसी अपडेट है महात्मा गांधी संविदा भर्ती 2023 के बारे में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ऐसी घोषणा हुई थी, एक अपडेट दी गई थी कि 13,000 पदों पर नई संविदा भर्ती की घोषणा हो सकती है। जी हाँ नई संविदा भर्ती जो है उसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे सिर्फ घोषणा हुई है, औपचारिकता में और वास्तविक जो है उसमें काफ़ी फर्क होता है। देखते दोस्तों नई महात्मा गांधी संविदा भर्ती 2023 की विज्ञप्ति जारी होती है नहीं होती है। हालांकि दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, चाहे लेवल फर्स्ट की बात करें चाहे लेवल सेकंड इंग्लिश सब्जेक्ट, जी हाँ लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड इंग्लिश सब्जेक्ट के 50% पद अभी भी महात्मा गांधी संविदा भर्ती या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में खाली हैं। यहाँ 50% जो है पोस्ट वैकेंट है इनकी, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड इंग्लिश सब्जेक्ट की। हालांकि साइंस मैथ की नहीं है, लगभग साइंस मैथ के पूरे पद इसमें भर चुके हैं लेकिन इनके इतने हैं। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो नई संविदा भर्ती की घोषणा जैसे हुई है विज्ञप्ति जारी हो सकती है, लेकिन हालांकि दोस्तों ये अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है इसे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, महात्मा गांधी संविदा भर्ती 2023 और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू उससे संबंधित है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, आपको हर संभव प्रयास देने का प्रयास जो है किया जाएगा, सहायता देने की यह कोशिश की जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों बताना चाहेंगे शिक्षा विभाग की हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम को आप अवश्य ज्वाइन करें, हर प्रकार की अपडेट हमारे टेलीग्राम पर सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।